हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान्स इकोनॉमी एक्सप्लेन बाय अभी न्यू चैनल। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पाकिस्तान का मिनिस्टर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चाय पीना कम करें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था, क्योंकि शायद पाकिस्तान भी श्रीलंका के जैसे बैंकक्रप्ट हो सकता है। एंड पाकिस्तान इज वरिड, लेट मी टेल यू व्हाई। अगस्त में नए एकेडमिक ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए बुक्स प्रिंट नहीं हो सकते, क्योंकि पेपर खत्म हो चुका। सिचुएशन इतनी खराब है कि IMF ने सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी ना देने की सलाह दी। सिर्फ एक लीटर पेट्रोल 180 रुपए में बिक रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी? समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हुआ कैसे और इस स्टोरी से भारत क्या लेसन सीख सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। आपका टाइम काफी प्रेशियस है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स। बट आई सजेस्ट पूरा पिक्चर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन 1947 के बाद शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। और सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% आगे था। साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम हुआ एक अच्छे प्लान के साथ। That went wrong. 1958 में पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल बदलाव आए और इस बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये इंसान, जनरल अयूब खान। एक्चुअली पहले ये पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर इन चीफ थे। लेकिन जब आर्मी और पॉलिटिशियंस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग 8% पर ईयर से ज्यादा स्पीड से बढ़ी, बड़े बड़े डैम्स बने, नेशनल हाईवेज बने, बट द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इस ग्रोथ के लिए पैसा आया कहाँ से? पाकिस्तानी लीडर्स ने एक ऐसा पोर्टल ओपन किया जो आने वाले टाइम में पाकिस्तानी इकोनॉमी को डैमेज करने वाला था। वो पोर्टल है डेट। आज तक पाकिस्तान ने 22 बार IMF से पैसे बोरो किए हैं। सिर्फ IMF से नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। I come to bargain. कमाल है नबी सर, आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप इतने बहरे हो सकते। सर दुनिया भर में लोग सी डेट बाय इटसेल्फ बुरा नहीं होता। ऑलमोस्ट हर देश किसी दूसरे देश से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेट लेता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है इस पर उसका सक्सेस या फेलियर निर्भर होता है। डेट से आया हुआ पैसा अगर देश की डेवलपमेंट में यूज हो तो डेट देश को आगे ले जा सकता है, लेकिन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान का फोकस था ही नहीं, फोकस था मिलिट्री पर। पाकिस्तान के बजट को खोल कर देखे तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दो चीजों पर स्पेंड करता है। पहला है डेट रीपेमेंट और दूसरा है डिफेंस यानी आर्मी। हर साल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पर होने वाला खर्चा बढ़ाता है। एक वॉर में कोई विनर नहीं होता, क्योंकि नुकसान दोनों साइड्स का होता है, पैसा भी वेस्ट होता है और जाने भी जाती हैं। ये जानते हुए भी पाकिस्तान की प्रायोरिटीज नहीं बदली। डेवलपमेंट ना होने की वजह से इनकम सोर्सेस बढ़े ही नहीं। आज भी 42% पाकिस्तानी लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में क्यों आए? तो फायदा होता ही है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो उसमें भी चाइना का फायदा होता है, क्योंकि
चाइना की कंपनीज ने उससे प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया होता है और चाइना ने लोन पर जो इंटरेस्ट कमाया है वो अलग। दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 40 देश हैं जिन्होंने अपने जीडीपी के 10% से ज्यादा का लोन चाइना से लिया हुआ है। और ये है ऑफिशियल नंबर, एक्चुअल नंबर किसी को बताएं। एज इंडियंस हमारे लिए सोचने जैसी बात है कि अगर पाकिस्तान चाइना का लोन वापस नहीं कर पाया तो क्या? अगर हमने गाड़ी लोन पर ली और ईएमआई टाइम पर नहीं भरा तो बैंक गाड़ी उठाकर ले जा सकती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता, अगर पाकिस्तान चाइना को ये एरिया लीज पर देता है तो ये भारत के लिए बैड न्यूज। आज की घड़ी में पाकिस्तान पर 130 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है और अब ये कर्जा चुकाने के लिए आईएमएफ से फिर से कर्जा लिया जा रहा है। ओनली अ पोर्शन दो आईएमएफ से 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया जा रहा है और उनका कर्जा 130 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जब लोगों को एक कप चाय कम करने के लिए कहा तो कई लोग हंसे, लेकिन इसका रीजन क्या? पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय इम्पोर्ट करने वाला देश है। एक साल में पाकिस्तान 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा चाय की इम्पोर्ट में खर्चा करता है जिसे खरीदने के लिए प्रेशियस फॉरेन रिजर्व्स यूज होते हैं। जून की शुरुआत में पाकिस्तान के पास सिर्फ आने वाले 2 महीने के इंपोर्ट बिल्स पे करने के लिए पैसे थे। एक्सट्रीम टाइम्स कॉल फॉर एक्सट्रीम मेजर्स। चाय कम करने के साथ साथ पाकिस्तान ने दुकानदारों को शॉप्स जल्दी बंद करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कहा है। फ्राइडे के दिनों वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है ताकि पेट्रोल बचे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अब्रॉड ट्रिप लेने से मना किया। साथ ही साथ कुछ शहरों में अल्टरनेट डेज पर स्ट्रीट लाइट्स ऑफ करने के लिए भी कहा। ये बातें छोटी लगती जरूर है लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं। रिमेंबर पाकिस्तान में आज भी 42% लोग पढ़ लिख नहीं सकते, इकोनॉमी का हाल उन तक भी पहुँचाना। तो भारत को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए? हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। पाकिस्तान 2.5% एजुकेशन पर खर्चा करता है और भारत 3.5%। डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं है जितना लगता है। ये नंबर डेवलप देशों में 7% होता है। हमें कंपैरिजन उनसे करने की जरूरत है, प्लस हमें भारत में अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की जरूरत है। आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। या तो उनका असैसिनेशन हुआ है या उनके ही लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। जहां गवर्नमेंट्स 5 साल की गारंटी नहीं दे सकती वहां कंपनीज अगले 50 सालों के लिए इन्वेस्ट क्यों करें? भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, फिर भी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बाहर प्रोड्यूस करके सिर्फ यहाँ बेचना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लॉज बहुत उलझे हुए हैं। यहाँ इन्वेस्ट करना, जॉब्स जनरेट करना दुनिया रिस्की समझती है। इसीलिए 2020 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज चाइना से भारत आनी चाहिए थी वो वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे देशों में पहुंच रही। गलती हमारे पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की है। नई सरकार पिछले सरकार के अच्छे और बुरे दोनों डिसीजंस को रिवर्स करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दिन भारत 40 किलोमीटर के हाईवेज बना रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो सबके लिए अच्छी बात है। ये अचीव करने के लिए एक सिस्टम बन चुकी। अब अगर 5 सालों बाद कोई दूसरी सरकार आती है और सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देती है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पहले की सरकार बेकार थी, तो नुकसान इस सरकार का नहीं भारत के सब लोगों का होगा। ऑपोजिशन का काम देश को रोकना नहीं, देश को आगे ले जाना होता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है ये समझने के बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते, हमारे लीडर से बेहतर अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हैं और हमारे देश को बैंकरप्सी से बचा सकते हैं। और यही इम्पोर्टेंट मैसेज आप तक पहुँचाने से मुझे बड़ा। गाइस वीडियो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। बट वो कुछ पॉइंट्स के बारे में हमें पता था, जैसे कि इन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोला है कि चाय कम कर दो, और वो उनके जो बुक्स जो पेजेस होते हैं बुक्स के वो पेजेस इतने नहीं बचे कि वो बुक्स प्रिंट कर सके, ये भी हमें पता था। और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला है फ्राइडेज को, और बोला है कि स्ट्रीट लाइट्स ऑल्टरनेट डेज पे ऑफ करो, और बहुत सारे ये थे। तो बेसिकली अभी भी लाइक इन्होंने बोला कि पाकिस्तान हर साल अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, ऑब्वियसली पैसे इतने नहीं है। बट ये है कि इंस्टेड ऑफ मतलब डिफेंस में एक्सपेंड करने के आई थिंक इकॉनमी पे करना चाहिए, क्योंकि लाइक मैंने सुना है कि पाकिस्तान का लाइक डॉलर के कंपैरिजन में 273 लाइक 300 छू ही जाएगा। तो लाइक अपने लाइक महंगाई कम करनी चाहिए कंट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर में कोई विनर नहीं होता, बट ठीक है,
पर जैसे कि भुट्टो ने कहा था पाकिस्तान के कि हम घास की रोटी खाएंगे पर एटम बम मनाएंगे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं लाइक कि जब से कोविड शुरू हुआ जब से हर कंट्री का एक ही हाल है। लाइक इन साउथ एशिया जब हम कंसिडर करें, जब सबसे पहले डिफॉल्ट श्रीलंका से आया, देन पाकिस्तान से आया, फिर बांग्लादेश भी IMF के पास गया है। लाइक हम देख सकते हैं कि ओवरऑल स्फीयर में इकॉनमी गिर रही है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो गिरती है 22 times जो गिरी है वो पाकिस्तान की गिरी है। एंड वीडियो में लाइक मैंशन किया गया था कि 1947 के अराउंड पाकिस्तान की इंडिया से अच्छी ग्रोथ थी और अभी भी हो सकती है। लाइक उनकी पोजिशन सेंट्रल एशिया का गेट वे है जिससे इंडिया को लाइक मच नीडेड इम्पोर्ट चाहिए होते हैं एनर्जी का, यूरेनियम के टर्म्स में, पेट्रोलियम जो वहाँ पे सेंट्रल एशिया में है। लाइक हम वीडियो में देखें तो पाकिस्तान का क्लियरली देख सकते हैं कि पेट्रोलियम के प्राइस बढ़े हुए हैं, मगर उनकी जियोलॉजिकल पोजीशन लाइक हम कंसीडर करें 3 liter शायद 180 कुछ ऐसे बोला था उन्होंने, अब बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है। तो वहाँ पे उनकी पोजीशन के हिसाब से वो टैक्स इवेजिंग कंट्री बन सकते हैं। लाइक स्वेज कनाल में कंसिडर करें तो इजिप्ट एक तरीके से कमाता है लाइक बाय अलाउइंग द शिप्स टू गो फ्रॉम देयर, और उससे जो टैक्स आता है उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। इवन सीपैक से बहुत कुछ हो सकता था बट सीपैक भी वेस्ट किया है, सीपैक पूरा वेस्ट हो चुका है। एंड लाइक हम देख सकते हैं कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है अभी, उन्होंने जो कमेटी बनाई गई थी सीपैक की, जो कमेटी थी उनको पूरा इरेज कर दिया है, इमरान खान ने वो किया कर रखा था, बट उसमें भी आई थिंक लाइक पाकिस्तान में करप्शन, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में भी करप्शन है बट लाइक उस लेवल का नहीं है कि मिनिस्टर्स वैसे मतलब लाइक इतना हो कि नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में लाइक नवाज शरीफ का नाम आया था जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम कंसीडर कर सकते हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और वहाँ पे जब सरकार बदलती है लाइक इमरान खान से शहबाज शरीफ, तो सीपैक को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, जियो पॉलिटिक्स, नॉन वेस्ट वेस्टर्न अलाइनमेंट, लाइक शहबाज शरीफ को बोला जाता है कि ज़्यादा US की तरफ अलाइन है, तो चाइना का जो सीपैक पैक्ट प्रोजेक्ट था, BRI प्रोजेक्ट, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम क्लियरली देख सकते हैं लाइक पाकिस्तान के अगर पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो तो उनकी इकॉनमी सुधर सकती है, लाइक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसिडर किया जा सकता है। इवन ये बहुत बड़ी बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री की ये हालत है, लाइक मतलब कि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज लाइक ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक मेरे ध्यान में क्या अभी भी देख सकते हैं कि सारी न्यूक्लियर कंट्रीज इंक्लूडिंग US, फ्रांस, इंडिया, स्मॉल न्यूक्लियर कंट्री लाइक इसराइल भी है जिसमें थोड़े बहुत मिसाइल्स हैं, तो वो देख सकते हैं हम लाइक स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली स्टेबल है। US को कहा जाता है कि लाइक पेंटागन बैक्ड है, वहाँ पे मेन पावर हेड है, और इसराइल में भी लाइक मोसाद उनका मेन पावर सेंटर है। इंडिया में एक चीज है डेमोक्रेसी, लाइक हमने ये भी सुना कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पूरा 5 साल पूरा टर्म कम्प्लीट नहीं करके गया, उसके बारे में लाइक क्लियरली देख सकते हैं कि इकोनॉमिक जो आना चाहिए वहाँ पे नहीं आ पाता है। जब उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई कंपनीज, इन्होंने सही कहा कि कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी। और इस एक और चीज़ थी कि इंडिया में एक चीज़ है बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है कम से कम। अभी हमने प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमने किया था कि लाइक ऑपोजिशन पार्टीज वाले भी वोट कर रहे थे, क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी सब कुछ स्टेबल होगा। और पाकिस्तान में नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि उनका जो रिसोर्स रिच लैंड है वहाँ पे बलूचिस्तान, हाँ ट्रू, वहाँ पे क्लियरली लाइक हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, वो कोई भी प्लांट कर सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे, वो जियो पॉलिटिक्स हो जाएगी। पर पाकिस्तान एज अ होल उसको एफिशिएंटली जो मैनेज करना चाहिए था नेचुरल रिसोर्सेज को, ऊपर से लाइक टैक्स इवेडिंग कंट्री थी तो वो टैक्स से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता था, वो भी नहीं हो पा रही है उसके। और लाइक ये बहुत बड़ी बात है कि बाकी जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने पहली बार तो बहुत सारे उससे लोन ले रखा है एशियन डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या ही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे वर्ल्ड बैंक 3 या 3.5 कुछ ऐसे इन्होंने बोला परसेंट पे लोन देता है, वहीं पे चाइना 6% लाइक पूरा डबल है, पूरा डबल है। कई चांस में लाइक कहा भी जाता है लाइक फास्ट ट्रैक लोन दे देगा, आप वापस भी नहीं दे पाओगे जब भी, और उसके जो इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा डीप तरीके से छुपा के रखते हैं, किसी को नहीं पता होता। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे रिएक्ट करें तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख देना या फिर जीमेल पे हमें मैसेज कर सकते हैं आप, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।